नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं जा रही हूँ अपने घर से 7 किलोमीटर दूर टपकेश्वर महादेव मंदिर, वो भी पैदल, वो भी बिल्कुल नंगे पांव। जी हाँ, आज मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये सब मैं आपको बताऊंगी पूरे रास्ते में। मेरे साथ आज मेरी फ्रेंड होंगी शबाना, जो कि मुझे हेल्प करेंगी पूरे रास्ते, मेरा कैमरा असिस्ट करेंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि शबाना भले ही हमारे धर्म से नहीं है, लेकिन वो मेरी धार्मिक भावनाओं का, इनफैक्ट सभी की धार्मिक भावनाओं का बड़ा सम्मान करती है। तो चलिए, ये कलश मैं आज उठा लेती हूँ। ये कलश पूरे रास्ते इस तरीके से मैं अपने सर पर रखने वाली हूँ, और चलिए चलते हैं। तो साथियों, अब मैं घर से निकल रही हूँ, और मैं अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रही हूँ ये मैं आपको रास्ते में ज़रूर बता दूंगी। पर प्लीज़, आप मेरे को देख कर ये जो है कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, 7 किलोमीटर चलकर जाना नंगे पांव इतनी धूप में मेरे लिए भी आसान नहीं है, और ख़ास तौर से मुझे चलने की ज़्यादा आदत भी नहीं है, तो मेरा स्पोर्ट्स से भी कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। पर मैं निकल रही हूँ इस विश्वास के साथ कि मैंने जो संकल्प लिया है उसे मैं पूरा करके आऊँगी, क्योंकि मेरा जो रीज़न है वो बहुत बड़ा है, और वो मैं आपको रास्ते में ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल जो है चलने का समय हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट नहीं, शायद आधा घंटा हो चुका है, और शबाना कह रही है पाएगा, शायद बहुत दूर है, अभी हमें बहुत दूर जाना है, एंड इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि जैसे तो दूर कह रही है नहीं चल पाओगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं चल लूँगी, क्योंकि अब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। खैर, आपको ये बताना था कि मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी थी जो है मैं पश्चाताप की अग्नि में चलता हुआ महसूस कर रही हूँ, इसलिए आज मैं जो है ये कर रही हूँ। चलिए, आगे की बात मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद, मैं थोड़ा और आगे पहुँच जाऊँगी। पैर जो हैं लगभग छिले छिले से फील हो रहे हैं, काफ़ी जो रास्ते के पत्थर हैं चुभ गए पैरों में काफ़ी ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, होता है। अब एक संकल्प लिया है, उसे पूरा तो हमें करना ही होगा। और एक बात सच है कि जब हम परेशान होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो तभी हमें याद आता है कि हमें भगवान को याद करना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने जो हमें इतना कुछ दिया है, तो मुझे लगता है उसका शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। और आज जो मैं शुक्राना करना भूल गई थी, अपनी उसी भूल को सुधारने के लिए मैं आज ये जो पद यात्रा है नंगे पांव जो है 7 किलोमीटर की यात्रा, उसको आज मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक जो है शबाना हमारा आगे जाकर इंतज़ार करेंगी, और चल कर आऊँगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये जो पत्थर हैं ये मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं अब, और मेरे पाँव में मुझे लग रहा है काफ़ी छाले जैसे पड़ चुके हैं, और काफ़ी दर्द हो रहा है अब मेरे पैरों में। आसान नहीं है ये जो जर्नी है ना। पाँव जो है मेरे बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा बुरी तरह छिल चुके हैं, काफ़ी इनमें दर्द हो रहा है। इसमें जो है काफ़ी छाले देखे पड़ गए थे जो फूट गए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से छाले फूट गए हैं, और हल्का हल्का खून भी जो है मेरे पैरों से आ रहा है, कुछ पत्थर भी चुभे हुए हैं।
घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे चलते चलते, और अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ कालीदास रोड पर, और अभी बहुत लंबा रास्ता है आगे। और साथ में मैं आपको बता रही थी कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। तो देखिए, हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि किसी किसी का ना भगवान से बहुत डीप कनेक्शन होता है। मेरा बहुत डीप कनेक्शन है शिव जी से, किसी ना किसी भगवान से शायद आपका भी होगा। तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि जो शिव जी हैं वो मुझसे बात करते हैं। जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ सुबह रोज़, तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे वो शिव जी हैं, मुझसे बहुत कनेक्टेड हैं और बहुत मुझे मेरे क्लोज हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे अभी फील हुआ कि वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मैंने कर दिया खुद। कैसे हुआ ये सब और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा करने से ये सब ठीक हो सकता है, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए थोड़ी दूर पर आगे जाकर मैं आपको आगे की पूरी बात बताती हूँ। एक बार फिर से उससे भी ख़राब रास्ता, उससे भी ज़्यादा ख़राब। और ये जो पत्थर हैं ये पाँव में बहुत दर्द कर चुके हैं सच में। मत ट्राई कीजिएगा, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, हम अभी भी 4 किलोमीटर दूर हैं। और ये कालीदास रोड ही है अभी तक भी। कालीदास रोड के स्टार्टिंग पे पहले देखा था आपने मुझे, और अब कालीदास रोड के मिडिल में हूँ मैं लगभग। अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, थक तो गई हूँ, बट अब पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है, जाना तो है ही। तो हाँ, मैं बता रही थी कि लाइफ में ना ऐसा हुआ कि बहुत परेशान थी शिव जी की, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, व्रत रखा करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शिव जी ने मुझे बिना मांगे ही शिव जी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ, मतलब जितनी मैंने कल्पना भी नहीं की थी उससे भी ज़्यादा। और मैं अपनी खुशियों में ये भूल गई, मैं ये बिल्कुल भूल गई कि मुझे अपनी खुशियों का शुक्राना भी करना है। और दिवाली वाली रात मुझे एक बुरा सपना आया, और बुरे सपने में मुझे लगा जैसे कि मैंने सब कुछ खो दिया, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि शिव जी खुद आकर मुझे सजा दें, मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँ कि मुझे अपनी गलती लगे कि मैंने सुधार ली है। इसीलिए गाइस, इसीलिए आज ये एक डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट यात्रा मैं कर रही हूँ। आई होप कि इसके बाद मैं बेटर फील करूँ। लंच करने के लिए मैं उसको भेज रही हूँ। हमने लगभग 10:30 बजे सुबह शुरू किया था, और अब दिन के 2:30 बज चुके हैं। मैं अभी भी 3.5 किलोमीटर दूर हूँ।
शबाना अब आप मुझे टपकेश्वर के चौक पर मिलेंगी, आप लंच कर लीजिए जाके घर, और मेरा लोकेशन देखकर आप आइडिया लगा लेना कितनी देर लगेगी लगभग मुझे पहुंचने में। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत स्लो, और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब वापस तो नहीं जाऊँगी, वापस तो नहीं जाऊँगी। थोड़ा डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया, मेरे हाथ ये पूरे जो ये कंधे मेरे दर्द हो चुके हैं, मेरे पैर दर्द हो चुके हैं, भूख प्यास से अब समझ लीजिए बस अब। पर हाँ, जब आत्मा पर बोझ सा लगने लगे ना, तो शरीर को कष्ट देना भी आत्मा को सुकून सा लगता है। ऐसे कष्ट नहीं, जब आप भक्ति में शरीर को कष्ट देते हैं ना, तो आत्मा का बोझ जैसे हल्का होने लगता है। तकलीफ तो हो रही है, लेकिन मन को जो शांति मिल रही है ना, वो सुकून मिल रहा है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। चलिए अब सीधा मिलेंगे टपकेश्वर के चौक पर, देखते हैं कितना समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में। हम टपकेश्वर के काफ़ी पास पहुँच गए हैं, इस टाइम लगभग 5 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, यहाँ पीछे जो है की भी तैयारियां चल रही हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर, पर बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ तक पहुँचने, पता है बहुत लंबा रास्ता था, बहुत लंबा, एंड फाइनली इसको पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, कर ही दोबारा मुलाकात होगी। काफी लंबा समय लगा, लेकिन फाइनली बिहारी महासभा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो हम सहर्ष स्वागत करेंगे आपका। बिहारी महासभा का एक छोटा सा कार्यालय हमने हर हर महादेव, जय हो, जय हो, हर वर्ष की भांति। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूजा छठ पूजा की तैयारी यहाँ चल रही है। तो वहाँ छोटा सा ऑफिस है, हमारी कार्यकारिणी के कई सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं, आपके इंतजार में हैं, तो आप उनसे मिलिए जुलिए और अपना सुझाव सहयोग देना चाहते हैं, तो हम सहज स्वागत करेंगे, जिसे हम और बेहतर तरीके से आपकी सुनवाई कर सकते हैं। बस सोच ही रही हूँ कि वो बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के आई थी, अब बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर वापस जाना है, तो थोड़ा मुश्किल तो लगा है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब आ गए हैं तो वापस भी चले जाएंगे। बाहर से भी टपकेश्वर महादेव उनसे जाना होती है, किसी भी मंदिर के घर आराम से अपनी गाड़ियों को सही ढंग से पार्क किया था, उसी गाड़ियों को वापस ले जाइएगा। जाने से पहले मैं आपको जो है छठ पूजा का जो दृश्य है वो भी दिखाना चाहूँगी। आप सभी जाते हैं कि साथियों जाते जाते ये जो छठ पूजा का एक खूबसूरत माहौल आपको दिखा रही हूँ, इसको भी आप देखिए और छठ पूजा के भी दर्शन कर लीजिए। देख सकते हैं आप कैसे भारी संख्या में लोग यहाँ छठ पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये भी बड़ा ही सुंदर दृश्य है।
अभी अभी पांव धोकर घर आई हूँ। साथियों आपको ये बता देती हूँ कि वापस मैं पैदल चल के नहीं आई हूँ। मेरी जो सहेली सुबह से मेरे साथ थी, उसने जो है वो एक्टिवा पे आगे आगे चल रही थी और वापस आते समय वो मुझे अपने साथ लेकर आई है। पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अभी पांव धोकर आई हूँ, मेरे पांव का क्या हाल हुआ है वो मैं आपको आज दिखा देती हूँ। पांव जो है मेरे बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा बुरी तरह छिल चुके हैं, काफ़ी इनमें दर्द हो रहा है। इसमें जो है काफ़ी छाले देखे पड़ गए थे जो फूट गए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से छाले फूट गए हैं, और हल्का हल्का खून भी जो है मेरे पैरों से आ रहा है, कुछ पत्थर भी चुभे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल मेरे इन पैरों का हो चुका है।